स्वागत है आपका फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सरकारी नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होती है उनकी डिटेल आपको हम सबसे पहले और सबसे तेज बताते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। आज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी की तरफ से एक नोटिफिकेशन हमें मिली है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन मिली है। इसमें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया है। आप अगर इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में कि क्या क्या उन्होंने मांगा और कौन कौन से पदों के लिए भर्ती हो रही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019, एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विच कैन बी डाउनलोड एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट आर इनवाइटेड फॉर। जो भी आपने आवेदन करना होगा तो आप वेबसाइट पे जाके, आप जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपने आवेदन करना है। वहाँ पर आपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा इनके वेबसाइट पे है, आपने वहाँ पर जाके उसको डाउनलोड करना है। तो आपने साथ में कहाँ इनको सेंड करना है, तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने एड्रेस लिखा हुआ है। एंड आपने इसमें ड्राफ्ट बनाना है, बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक नॉनी, आपने इसके ऊपर पेबल टू कंट्रोलर, तो आपने यहाँ पर ये पेड ड्राफ्ट सेंड करना है इनको। जो पेड ड्राफ्ट कितना है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। एंड लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन अप्लाई आपको 5 फरवरी 2019 यहाँ पे लास्ट डेट दे के रखिए। अगर आप इंटीरियर एरिया से हो, ट्राइबल एरिया से हो, तो आपके लिए यहाँ पे लास्ट डेट थोड़ी बढ़ा दी गई है, लास्ट डेट आपकी कर दी है 20 फरवरी 2019। तो बात करते हैं वैकेंसीज की। तो यहाँ पर वैकेंसीज इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड की हुई है, फर्स्ट साइंटिस्ट की है, सेकेंड असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एंड थर्ड टेक्निकल असिस्टेंट की है। तो बात करते हैं यहाँ पर साइंटिस्ट की। तो साइंटिस्ट की यहाँ पर तीन वैकेंसीज है जो कि आपके थुना के लिए हैं, चंबा के लिए है। एंड आपका यहाँ पर तीन वैकेंसीज को इन्होंने यहाँ पे फुलफिल करने के लिए आवेदन मांगा है। और इन वैकेंसीज के लिए जो आपका जो पे स्केल रहेगा, ये पोस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 27,600 पर मंथ फिक्स रहेगा। और जो पे बॉन्ड आपका है 15,600 एंड 6,000 आपका जो ग्रेड पे रहेगा। तो ये थी आपकी तीन वैकेंसीज फॉर साइंटिस्ट। एंड अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे 38 वैकेंसीज है। तो हर एक जो प्रोफेसर, हर एक फील्ड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक वैकेंसी है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर फूड साइंस हो गया आपका, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे यहाँ पे आपके पद हैं जो कि अलग अलग आपके ब्रांच में अलग अलग जो इनके कॉलेजेस हैं वहाँ पर फुलफिल होंगे। जैसे थुनाक के लिए भी यहाँ पे आपका वैकेंसी हमीरपुर के लिए है, थुनाक के लिए एक और वैकेंसी इनके पास है, बजौरा के लिए, थुनाक के लिए, मंडी के लिए, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जैसे कि यहाँ पर साइंटिस्ट वेजिटेबल साइंस, ये थुनाक के लिए है। और आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हैं इसका जो ये PDF फाइल है, इसको मैं आपको सबसे लास्ट में आपको लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर। तो ये रहा आपका वैकेंसीज जो कहाँ कहाँ फिल होंगी। हम जो लास्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर दो वैकेंसीज है जो कि दोनों ही नौनी सोलन में फिल हो गए। तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज है, जो जनरल कैटेगरी के लिए 34 है, आगे जो रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके पास यहाँ पे 8 वैकेंसीज है, 8 या 9 वैकेंसीज है। और बात करते हैं अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर साइंटिस्ट, तो इनके लिए जो 1 से लेकर 40 तक की जो वैकेंसीज है इन्होंने दे के रखी है, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास PhD डिग्री इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट रिलैक्सेशन 2 MSc, तो यहाँ पर आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए। एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% फ्रॉम 55 to 50%, मास्टर डिग्री फॉर SC एंड ST कैटेगरी के लिए। तो ये इस तरह से का यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा क्राइटेरिया उन्होंने मांगा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे फी, अब दूसरा करते हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने MSc फॉरेस्ट्री इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए मांगी हुई है। एंड जो सेकेंड पोस्ट है द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, MSc बॉटनी, MSc केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अदर कंडीशन। तो बात करते हैं यहाँ पर पेस आपका एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा यहाँ पर पोस्ट साइंटिस्ट और
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 12,100 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए होंगे हिमाचल प्रदेश के उनके लिए रहेगी 300 रुपये। और रही बात असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट की, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी 500 रुपये फीस और रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी 125 रुपये फीस। तो ये था आपका आज का एप्लीकेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट। और बात करते हैं रिटर्न टेस्ट की, तो रिटर्न टेस्ट होगा यहाँ पे आपका 85 मार्क्स का, जिसमें कि 15 मार्क्स आपके होंगे इवेल्युएशन के लिए। एंड बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर आपके एक वैकेंसी के लिए 10 पर्सन को बुलाया जाएगा। रही बात यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे जो एक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रहेगा, तो यहाँ पे 85 क्वेश्चन रहेंगे एक मार्क्स का। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन एमएससी इन द कंसर्न सब्जेक्ट 65 एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू हिमाचल जीके 20। करंट अफेयर जो कुछ भी होगा ये आपका एग्जामिनेशन रहेगा, 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन आपका ये होगा। एंड 15 मार्क्स रहेंगे आपके इवेल्युएशन के। इवेल्युएशन का पता है किस किस तरह से ये क्राइटेरिया हो रहा है, और मे भी आज कैबिनेट की मीटिंग है 8 जनवरी 2019 को, तो इवेल्युएशन के जो ये मार्क्स है ये शायद कुछ बदल सकते हैं, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के लिए यही रहेंगे, लेकिन आज के बाद शायद कुछ वहाँ पर बदलाव हो सके। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ऐसे ही अपडेट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डेली अपडेट लेने हो, तो आप हमारी ऑफिशियली वेबसाइट www.governmentjobsforyou.com पे विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।